कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का पीएम मोदी पर जोरदार हमला। ट्विटर पर राहुल ने लिखा, मोदी ने नोटबंदी और जीएसटी से देश को किया बर्बाद। मोदी नाकाबिल इंसान हैं जो किसी की नहीं सुनते। 2019 लोकसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने कसी कमर। 8 राज्यों में नियुक्त किए प्रभारी सह प्रभारी। लोकसभा में राफेल डील पर सरकार का बचाव करने का रक्षा मंत्री को मिला इनाम। निर्मला सीतारमण को दिल्ली का बनाया चुनाव प्रभारी। अगस्ता डील के कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल पर बढ़ी आरोपों की आंच। ईडी का कोर्ट में दावा, अगस्ता के अलावा दूसरे रक्षा सौदों में भी मिशेल को मिले थे पैसे। 27 जनवरी को मदुरै में एम्स अस्पताल का शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। धनुषकोडी और रामेश्वरम के बीच नई रेलवे लाइन की भी आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री। चिराग पासवान ने फिर दिखाए तेवर। राम मंदिर और 3 तलाक जैसे मुद्दों को लेकर जताई नाराजगी। एनडीए को नुकसान का जताया अंदेशा। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेता प्रकाश राज ने किया ऐलान, 2019 का लोकसभा चुनाव निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लड़ेंगे। बेंगलुरु सेंट्रल संसदीय सीट से उतरेंगे प्रकाश राज। मैक्सिको सीमा पर दीवार के लिए अब भी अड़े डोनाल्ड ट्रंप। फंड न मिलने तक किसी भी बिल पर हस्ताक्षर न करने की कही बात। आंशिक कामबंदी को कई सालों तक जारी रखने के लिए तैयार। फर्टिलाइजर सेक्टर में दुनिया की सबसे बड़ी सहकारी संस्था इफको ने हासिल की नई उपलब्धि। फॉर्च्यून 500 में दुनिया की नंबर 1 फर्टिलाइजर कंपनी की पोजीशन बरकरार रखी। यूथ ओलंपिक में विजेता शूटर मनु भाकर को हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का जवाब, 2 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार मिलेगा लेकिन ट्वीट करना गलत। और हैशटैग मीटू मामले में फंसे अभिनेता आलोक नाथ को मिली अग्रिम जमानत। कई दिनों से फरार थे आलोक नाथ। मुंबई पुलिस ने 10 दिसंबर को आलोक नाथ के लापता होने का किया था दावा। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB Live, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB Live, क्योंकि यहां है खबरें लगातार।